जेठालाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई आज की मॉर्निंग इतनी गुड है कि तुम्हें गेवर खाना पड़ेगा, ये लो। ओ हो हो, वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या कोई खुशखबरी है? तो ओहो, पगार बढ़ गया? अरे नहीं भाई। तो नौकरी में प्रमोशन मिला? अरे नहीं नहीं भाई, उससे भी बड़ी खबर है, नया छाता खरीदा। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं गाजियाबाद से। ओए ओए, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उसमें मिठाई बांट रहे हैं। अरे भाई शादी तय हो गई और तो मिठाई बांटा तो बात समझ में आती है, लड़की वाला तो सैकड़ों बार तुमको देखने आ चुके हैं, तुम्हें घेवर देना ही नहीं है। अरे यार भाई, बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए लीजिए घेवर खाइए। अरे पोपट भाई, सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में? कुछ नहीं बबीता जी, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उसमें मिठाई खिला रहे सबको। तो क्या नहीं बांटना चाहिए? जेठालाल पोपट लाल को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग ओकेजन फॉर हिम। पोपटलाल कांग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, ये लीजिए घेवर खाइए। पोपट भाई मैं थोड़ा सा ही लूंगी, क्या है ना जरा डाइट पे होना इसलिए। हाँ कोई बात नहीं बबीता जी, आपके हिस्से का घेवर मैं खा लूंगा। तुमको तो देना ही है। क्यों पोपटलाल जेठालाल को क्यों नहीं देना? अरे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे, ये सुन के जेठालाल को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अरे नहीं भाई, मुझे खुशी हुई है, तुम गलत समझ रहे हो पोपटलाल। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। जेठालाल, पोपटलाल तुमको मिठाई दे फिर भी तुमको कहना नहीं चाहिए। जेठालाल तुमको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, मीठा खा खा कर तुम्हारा बॉडी बद फैल गया है। बबीता, मेरे को जेठालाल के हेल्थ का चिंता हो रहा है। आप डॉक्टर है? नहीं। तो फिर आप क्यों मेरी तबीयत की चिंता कर रहे हैं? जेठालाल तुम्हारा पेट देखो। अरे क्या पेट देखो, पेट तो होना ही चाहिए ना, अगर पेट ना हो तो हम जो खाना खाते वो कहाँ जाएगा? जेठालाल, अरे यार भाई छोड़ो ना, इतना अच्छा दिन है, खुशी का मौका है, आप क्यों फालतू दलीलबाजी कर रहे हैं? अरे जेठिया, नमस्ते। हाँ, वो भी दुकान नहीं गया? बापू जी मैं जा ही रहा था कि पोपटलाल ने रोक लिया। ओ, लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं गाजियाबाद से। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चाचा जी घेवर खाइए। हाँ। अरे अरे पूरा 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 खाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई, ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अभी अरे पोपट भाई, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? अरे आज पोपट लाल को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। भाई घेवर खा। पोपट भाई मेरे रोजे चल रहे हैं। सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। नहीं 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 कोई बात नहीं, लेकिन बाद में बड़ी पार्टी लूंगा। हाँ हाँ, अरे पक्का पक्का। अच्छा अब्दुल, बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे थोड़ी मदद करेगा? अरे पोपट भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? पोपट लाल ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ऑफिस। अरे भाई आपको आज ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जब लड़की वाले मुझे देखने आएंगे तो आपको रहना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट चाहिए। अरे पोपट भाई, आपके सपोर्ट के लिए आपके बहने है ना यहाँ पे। देखिए मुझे एक छोटा सा काम है, मैं निपटा के अभी वापस आती हूँ और पूरे लेडीज ग्रुप के साथ आपके घर पे आ जाती हूँ। ओके ठीक है। और भाई जरूरत पड़े तो मैं भी तो हूँ यहाँ। और भाई भिड़े भी घर पे ही होगा, वो भी आ जाएगा। और कितने लोग चाहिए कहे तो मैं भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम दुकान जाओ। क्यों? चाचा जी है, भिड़े हैं, मेरी बहने हैं, इतने लोग बहुत हो गए। क्या ना, ज्यादा लोगों को देख के लड़की वाले डर जाएंगे। अच्छा, मेरे अकेले के आने से बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे और लड़की वाले डर जाएंगे। ए भाई तू जाने दुकान जाने। हाँ हाँ चल चलो अब्दुल, निकलता हूँ। ओके बबीता जी। हाँ ओके यार भाई, मिलता हूँ। बाबू जी जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। चलो पोपटलाल ऑल बेस्ट है, और अच्छे से खुशखबरी देना, ठीक है? चलो चल 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 अब्दुल, जल्दी चल भाई, चल 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 अब्दुल, बहुत सारे काम है भाई। बड़े बताइए क्या करना है। अरे भाई मिठाई लानी है, नमकीन लाना है, दूध लाना है। जल्दी से मुझे लिस्ट बना के दे दीजिए। हाँ बराबर है, मैं लिस्ट बना लेता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, पहले ना कपड़े प्रेस करवाने पड़ेंगे। क्या है ना, मुझे रेडी भी होना है, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। हाँ बराबर, वो ज्यादा जरूरी है। तो रुक, मैं अभी आया।
अरे अब्दुल, बाकी सारा सामान तो तेरी दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन मिठाई तो तुझे बाहर से लानी पड़ेगी ना। हाँ, मैं अभी लेके आया। अरे एक मिनट भाई, अगर मिठाई लाने में तुझे देर हो गई और लड़की वाले आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हे भगवान, काम इतना ज्यादा है और वक्त बिल्कुल नहीं है, कैसे होगा साहब? पोपट भाई, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। पोपट भाई, आप शांति से पहले बैठे और ये तय कर लीजिए कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, बराबर है, बराबर है। तो किसका फोन है? एडिटर साहब, बोलिए एडिटर साहब। हेलो पोपटलाल। देखिए सर, अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे पोपटलाल, अर्जेंट काम है इसीलिए तो फोन किया है। अच्छा ठीक है, तो जल्दी बताइए। तुम्हारे लिए एक ऐसा काम है जिसे सुनकर तुम कूद पड़ोगे। अरे सर, अभी मेरे पास कूदने फाड़ने का टाइम नहीं है भाई, काम जल्दी बताइए सर प्लीज। पोपटलाल, तुम्हें ट्यूबलाइट की रोशनी हमारे पाठकों तक पहुँचानी है। सर, तूफान एक्सप्रेस के इतने बुरे दिन आ गए कि अब ट्यूबलाइट बेचनी पड़ेगी। सर, मैं ट्यूबलाइट बेचने नहीं जा सकता, मैं पत्रकार हूँ, सेल्समैन नहीं हूँ। अरे भाई, तुम्हें ट्यूबलाइट बेचने को कौन कह रहा है? तो फिर ट्यूबलाइट की रोशनी पाठकों तक कैसे पहुँचाएंगे? सर, मैं इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सर, मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में आए ऐसी बात कीजिए ना। अरे पोपटलाल, तुम्हें इंटरव्यू लेना है। किसका? सुपरस्टार का। अच्छा, कौन से सुपरस्टार का? पोपटलाल, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हो रही है, इसी सिलसिले में तुम्हें सलमान खान और उसके भाई सोहेल खान का इंटरव्यू लेने जाना है। क्या, सलमान खान और साथ में सोहेल खान? अरे क्या बात है सर, क्या बात है। आ, तो जाओगे ना? अरे जरूर जरूर भाई, सलमान खान का इंटरव्यू लेने कौन नहीं जाएगा, जरूर जाऊंगा। कब जाना है सर? आज दोपहर को। अच्छा, आज दोपहर को? सर, आज दोपहर को मैं नहीं जा सकता। क्यों? आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप इंटरव्यू कल परसों का रखवा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पोपटलाल, सुपरस्टार सलमान खान है कि तुम? तुम्हारे टाइम पे इंटरव्यू नहीं हो सकता, वो जो टाइम देंगे उस टाइम पे तुम्हें इंटरव्यू लेने जाना पड़ेगा। नहीं, आज दोपहर को मैं नहीं जा सकता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। सलमान खान का इंटरव्यू लेने से ज्यादा जरूरी काम कौन सा हो सकता है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज सर, आज दोपहर को मैं नहीं जा सकता इंटरव्यू लेने। तुम्हारे होश तो ठिकाने है ना, तुम सलमान खान का इंटरव्यू लेने के लिए ना बोल रहे हो। सर बिल्कुल बिल्कुल ठिकाने पर है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे तुम्हें पता है सलमान खान ने कहा है कि इंटरव्यू लेने के लिए तो पोपटलाल को ही आना है, और इसीलिए तो मैंने सबको मना कर दिया। थैंक यू सर, आप सलमान भाई को मेरी तरफ से भी थैंक यू कहिएगा, लेकिन आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। सर मैं क्या कह रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरा। बहुत हो गया पोपटलाल, ये मत भूलो तुम जो अखबार में काम करते हो वो अखबार तूफान एक्सप्रेस का मैं एडिटर हूँ। अरे सर, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि एडिटर बनने से पहले पत्रकार होता है। और सर, आप तो मेरे आदर्श हैं, आदर्श। मैंने पत्रकारत्व आपसे तो सीखा है। मैं इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आपसे बढ़िया पत्रकार नहीं है। सर मुझे तो सिर्फ एक गोल्डन क्रो अवार्ड मिला है, लेकिन आपको गोल्डन क्रो, काउ, बफेलो, स्नेक, लिजर्ड सारे अवार्ड मिले हैं। सर, सलमान भाई का इंटरव्यू आपसे बेहतर और कोई नहीं ले सकता पूरे देश में। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू, मगर मेरी बात समझो, आज मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मैंने तुम्हारी भाभी को लंच पे ले जाने का वादा किया है। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सलमान भाई का इंटरव्यू लेने नहीं जा सकता। सॉरी सर, सॉरी। पोपट भाई, आपने सुपरस्टार सलमान खान सोहेल खान का इंटरव्यू लेने के लिए मना कर दिया? हाँ हाँ। क्यों? अरे क्या क्यों भाई, तू नहीं जानता क्यों मना किया? और मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा, फिर भी सलमान भाई की फिल्म ट्यूबलाइट हिट होगी ना। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे उनकी सारी फिल्में हिट होती है, लेकिन मेरी शादी का मामला जो इतने सालों से फ्लॉप हो रहा है वो आज हिट होने जा रहा है, तो मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी बहुत सारे काम है, कैसे होगा सब, कहाँ था मैं? आप कन्फ्यूज थे, मतलब आप तय कर रहे थे कि पहले लिस्ट बनाए, मिठाई लाए, या कपड़े प्रेस करने के लिए जाए। मैं पहले लिस्ट ही बना लेता हूँ। वेरी गुड, चलो देर आए तो लिस्ट आए। क्या? नहीं मतलब लिस्ट बनाइए। पोपट भाई क्या है अब्दुल, लिस्ट बन गई? हाँ, एक मिनट रुकना भाई, बना रहा हूँ ना फटाफट। ये ले, तू तेरी दुकान से मेरे कपड़े लेकर आ, तब तक मैं लिस्ट प्रेस करता हूँ। क्या? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। पोपट भाई, इतना टेंशन मत लो, आप चैन की सांस लीजिए। हाँ, तू ये लिस्ट में जितना भी सामान लिखा है ना, वो सब तेरी दुकान से लेकर आ, तब तक मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ।
पर भाई इतना सारा नमकीन मेरी दुकान पे नहीं है और आज तो दूध भी नहीं है और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सोडा है, आप बोले तो सोडा लेके आऊं? अरे भाई मैं ये मेहमानों को सिर्फ सोडा पिलाऊंगा, क्या बोल रहा है तू? पर तेरी दुकान में आज ही सारा सामान खत्म होना था। अरे आइए 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 बहनों, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। हमें अभी अभी पता चला पोपटलाल भाई कि आपको आज लड़की वाले देखने आने वाले हैं, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने स्वादिष्ट घेवर बांटे सबको। कोमल भाभी, वो अंजलि भाभी ने ही दिए हैं, आप भी लीजिए ना। लीजिए। हाँ लीजिए, खास जोधपुर से आया है। बाद में खाते हैं। ठीक है। चलिए बहनों, मुझे भागना पड़ेगा। अरे क्यों? आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं और आप भाग कर रहे हैं? भागने से मेरा मतलब है बहुत सारी तैयारियां करनी है, मिठाई लानी है, नमकीन लाना है, वो कपड़े प्रेस करके रेडी होना है, टाइम बिल्कुल नहीं है। ओ एक मिनट, लाइए मुझे लिस्ट दिखाइए। दीजिए। अरे पोपटलाल भाई, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये सारा नमकीन, कोल्ड ड्रिंक सब है मेरे घर पर। और हर किस्म के फ्रेश जूसेस बनाने में तो मेरी स्पेशलिटी है ही। और एक बंगाली के घर में बंगाली स्वीट्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। Yes. बस तो फिर थोड़ी देर में ये सारी चीजें लेकर हम यहाँ हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू बहनों, थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, आप बाकी सब तैयारियों में लग जाइए, ये सब चीजें हम हाजिर कर देंगे। हाँ, और इसके साथ साथ आपकी बहनें भी यहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। Yes. पोपट भाई, लिस्ट में से कुछ लाना है कि नहीं लाना है? ओ कम ऑन अब्दुल भाई, अब कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं, हम सब हाजिर कर देंगे। सच में दिल से कह रहा हूँ, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। कम ऑन पोपट भाई, अब इतना फॉर्मल मत होइए प्लीज। एग्जैक्टली पोपट भाई, अभी बातें बंद, चलिए आप घर से बाहर निकलिए। क्यों? क्या क्यों पोपट भाई, लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं तो हमें घर तो थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा ना। अच्छा, और तब तक आप सलोन जाके मस्त सज सवर के आ जाइए। परफेक्ट आइडिया। फिर एक बार आप सबका थैंक यू। और अब्दुल, अगर लड़की वाले आए तो जरा ध्यान रखना। पोपट भाई चिंता मत करो, अगर लड़की वाले आएंगे तो मैं खुद उनको लेकर आऊंगा। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। पोपट भाई अब जाइए जल्दी। आहो, जाले रह गए क्या उधर? अरे जाले नहीं देख रहा हूँ मैं, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ माधवी के इस बार ये फ्रेम खाली नहीं रहनी चाहिए। हाँ बरोबर है, बरोबर है। कीजिए, पर थोड़ा साइड में खड़े रह के करेंगे। हाँ, तो क्या है? चलो चलो। ये क्या कर दिया भाई मेरे चेहरे को, ये क्या लगा दिया? डोंट वरी सर, सब हो जाएगा, इसको निकलने दीजिए, फिर देखिए आपके चेहरा कैसा क्लीन हो जाएगा एकदम। पक्का चमक जाएगा ना? एकदम चमक जाएगा। निकालो भाई इसको, जल्दी निकालो। सर आंखें खोलिए अपनी, कैसा लग रहा है? फ्रेश फील हो रहा है एकदम? बहुत 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 फ्रेश फील हो रहा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट मेरा बिल बना दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। काम करता हूँ, अब्दुल को फोन करके पूछ लेता हूँ कोई लड़की वाला आए तो नहीं। Your available balance is not sufficient to make an outing. बैलेंस को भी अभी खत्म होना था, फटाफट निकलना पड़ेगा। एक मिनट भैया, अब्दुल लड़की वाले आए तो नहीं ना? पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, मैंने तुझे बोला था कि तू ध्यान रखना भाई। वो अर्जेंट डिलीवरी के लिए जाना पड़ा, उस दौरान अगर आए हो पता नहीं। अभी चलना था अर्जेंट डिलीवरी के लिए। चलो भाई चलो चलो जल्दी चलो। और सुनो भाई, मेरा वो 100 रुपए का रिचार्ज करवा देना फोन में। हाँ हाँ पोपट भाई, हो जाएगा। अरे शायद पोपट भाई आ गए। अरे खोलिए जल्दी। ओहो हेलो, रेडी नो? हाँ आइए 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 पोपट भाई, आपके घर में आपका स्वागत है। ओ, 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 क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तकिए के कवर्स बदल दिए, पर्दे बदल दिए, देखो लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा घर है। पूरा घर चमक रहा है। पोपट भाई,
आप भी कुछ कम नहीं चमक रहे हो। आज तो आपको देखे ना कोई भी लड़की हाँ कह देगी। किसी की नजर ना लगे मेरे पोपट भौजी को। थैंक यू। डोंट वरी एट ऑल, लड़की वालों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। साथ में मस्त मजेदार मिठाई पन तैयार छे। अरे अरे खुशबू आ रही है। और मैं पापड़ भी लेके आई हूँ। अभी पापड़ यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? अभी लड़की वालों को क्या पापड़ बेचेंगे हम लोग? और नहीं नहीं, बिजनेस के लिए नहीं गई, मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए पापड़ लेकर आई हूँ। अच्छा, वाह क्या बात है, क्या बात है। माधवी भाभी आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा चले चले, मैं फटाफट तैयार होकर आता। अरे रुको रुको भाई पोपटलाल। अरे भाई रुकने का टाइम नहीं है, वो लोग आ जाएंगे, मुझे कपड़े बदलने तैयार होना है। हाँ भाई पोपटलाल, उनका फोन कहाँ है अभी तक? भाई सबसे पहले मेन बात, सब जानना चाहते हैं कि लड़की का नाम क्या है। नहीं, नाम हम बाद में, मैं पहले तैयार होकर आता हूँ। सब जानने के लिए उत्सुक है पोपटलाल, भाभी का नाम क्या है? झिलमिल झिलमिल। मालम छे पोपट भाई, मैं बोल रही हूँ मतलब सू नाम छे। तारीफ कर रहे हैं। हवाओं की सरसराहट कह रही है कि झिलमिल जरूर आपकी जिंदगी में झिलमिलाहट लेकर आएगी। चलिए पोपट भाई जल्दी से जाइए और फटाफट तैयार होके आ जाइए। हाँ। लड़की वाले आते ही होंगे। हाँ, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके अंदर रेडी रखे पोपट लाल। क्या बात है भिड़े, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। तेरे मेरे कपड़े प्रेस किए? नहीं नहीं पोपट भाऊ जी, कपड़े प्रेस इन्होंने नहीं किए है, वो तो अब्दुल भाई करवा कर लेकर आए हैं, सिर्फ इन्होंने अंदर रखा। हाँ मैं बोलने वाला था। फिर भी थैंक यू बिने, और बहनों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तैयार होने जाऊँ। अरे रुको पोपटलाल, मस्त गप्पे मारते, आ जाओ बैठो। अरे क्या रुको भाई, तू चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो। जाओ जाओ जाओ। ओके थैंक यू। अरे हेलो बुलंद है, तो मस्त रे। सच्ची में कितने एक्साइटेड है पोपट भाई आज। बस भगवान करे इस बार पोपट भाई की शादी जरूर तय हो जाए। अरे वाह, गोकुल धाम में चारों ओर खुशियों का माहौल है। पोपटलाल के घर को सजाया जा रहा है, व्यंजन बनाए जा रहे हैं, मिठाइयां मंगवाई जा रही है। पोपटलाल स्वयं सजने संवरने में बिजी हैं, व्यस्त हैं। क्यों रहूं, लड़की वाले जो पोपटलाल को देखने आ रहे हैं तो आप भी आइए भाई, आपका होना तो बड़ा जरूरी है। आप भाइयों बहनों बच्चों, आप लड़के वाले हैं तो जो लड़की झिलमिल नाम की आ रही है, ये आप ही को तय करना है कि पोपटलाल से ब्याहने लायक है या नहीं। तो हम जरूर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे कल, ये जानने के लिए झिलमिल पोपटलाल से जाने लायक है या नहीं, और आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या होता है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।